हाय दोस्तों, वेलकम टू देसी ट्रैवल मेट। आज हम जाने वाले हैं एक छोटा सा विलेज। वो विलेज के बारे में बताएंगे तो वो जंगल के बीचों बीच है। आज हम वहाँ रुकेंगे, उसके बाद वही एक पहाड़ भी है, उसमें हम ट्रैकिंग भी करेंगे। तो हम चलते हैं। आज मेरे साथ श्री है। श्री मेरा फ्रेंड ही है। श्री और मैं कई बार जा चुका हूँ, उसको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं एक कॉल करने पर वो सब कुछ छोड़ के मेरे साथ आ गया हूँ और हम ये सफ़र शुरू करने वाला हूँ। आगे एक पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ जाना है हमें और बहुत ऊपर है वो रास्ता, यहीं से शुरू होता है। यह एक हेयरपिन बेंड है, यहाँ पे हमें 9 हेयरपिन बेंड मिलेगा और हम अब ऊपर आ गया है। यह गेट से अंदर जाएंगे तो इस जिला में हम प्रवेश करेंगे। यह यहाँ का चेक पोस्ट है, वो चेकिंग करके हमें भेजते हैं अंदर। अब हमें परमिशन मिल गया है। ये केरला स्टेट का वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है। लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, वहाँ के आप चेक कर सकते हैं। और हम आ गया है, यहाँ हम आज रात रुकने वाला है। आज का ट्रिप ख़त्म हो गया है, हम सोने जा रहे हैं। ये हमारा बेड है, ये देखिए हमारा कन्वर्टेबल बेड, इसमें सोएंगे आज रात। मेरा पिलो है। ओके दोस्तों, आज का इतना था, हम सोने जा रहे हैं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब सवेरा हो गया है, हम बाहर देखने के लिए आया है, रात को आया है इसलिए कुछ भी नहीं देखा है। यह था वो विलेज, वो जंगल के बीचों बीच है। यह का लोग फार्मिंग करते हैं, यह सब फार्मिंग फील्ड है। यहाँ पास में एक वाटरफॉल भी है। आज हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, आज हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ हम फिर आएंगे। आज हम ट्रैकिंग जाने वाला वो पहाड़, वो दूर से दिखाई दे रहा है, एक रॉक, बड़ा सा रॉक दिखाई रहा है, वहाँ पे जाना है आज हमको। ये हमारा आज का ट्रैकिंग स्पॉट है, ये है कोलगपारा हिल टॉप। वहाँ जाने के लिए रास्ता हमें पता नहीं, वो हम यहाँ से पता कर लेंगे। वहाँ के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है, वहाँ जाके हम पता कर लेंगे वो कैसे ऊपर जाता है और वहाँ का नज़ारा कैसा है। ओके, हम जा रहे हैं वहाँ। हमें रास्ता मिल गया है, हम इसी रास्ते से ऊपर जाएंगे। पता नहीं ये रास्ता कहाँ बंद होता है। हम अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, और वहाँ जाके हम खुद बनाएंगे और उसके बाद हम ट्रैकिंग शुरू होगा। हम पहुँच ही रहे हैं, वहाँ एक गाड़ी दिखाई दे रहा है, हम उसके पास हमारा कार पार्क करेंगे और पहले हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे। आज ब्रेकफास्ट में हम मैगी और कॉफ़ी बनाएंगे। मैगी जल्दी बनता है इसलिए हमने मैगी सेलेक्ट किया है, और हमें जल्दी ऊपर जाना भी है।
हम स्टोव को ऑन करते हैं और मैगी के लिए पानी चाहिए, वो हमने उसमें डाल दिया है। और एक पैकेट में दो पीस आता है, दो पीस उसमें डाल दिया है। मसाला पाउडर भी डाल दिया है। अब हमारा मैगी तैयार हो रहा है। ओके, हम ये इस प्लेट में डालते हैं। हम ब्लैक कॉफ़ी बना रहे हैं और हमारा ब्लैक कॉफ़ी बन गया है। इसमें चीनी भी डाला है हमने। अब हम ये कप में सर्व करेंगे। दोस्तों, हमारा ब्रेकफास्ट बन गया है। अभी हम थोड़ी देर में ये ख़त्म करके हमारा ट्रैकिंग शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू होता है, वहाँ हमारा गाड़ी दिख रहा है ना, वहाँ से हम शुरू करके ऊपर जाएंगे। मैं, हमारा साथी श्री है, श्री और मैं आज का ये हाइकिंग शुरू करने वाला हूँ। हम बहुत लेट हो गया है, हमें कुछ पहले आना चाहिए था, मगर हमें रास्ता नहीं मिला, इसलिए हम घूम कर आया है। पहले आते तो यहाँ का नज़ारा कुछ अच्छा होता था, अभी भी अच्छा है, मगर वो सवेरे का नज़ारा कितना अच्छा था आपको पता ही होगा। यहाँ सब रॉक से भरा हुआ है। इसका नाम है कोलगप्पारा। इसके नीचे से जाना है हमें। अच्छा लग रहा है। कुछ लोग वापस आते हैं, आपने देखा है ना, अब तो शुरू कर रहे हैं। ट्रैकिंग बहुत अच्छे से शुरू हो गया है। ये देखिए, रास्ता भी बहुत अच्छा है, ट्रैकिंग करने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और श्री भी बहुत खुश है, उसको ये सब करना मुझसे भी ज़्यादा बहुत पसंद है। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, कैमरा मैंने उसके हाथ दिया है। यहाँ रेंज भी मिलता है। ओके, हाँ चलो नाता। आप में से किसी ने भी सोचा होगा श्री के हाथ में क्या है। वो एक प्लास्टिक कैरी बैग है। यहाँ बारिश का मौसम है,
फ़ोन और कैमरा डालने के लिए हमने साथ में लिया है वो, उसमें एक टॉवल भी है। लगता है ये देखो वहाँ ऊपर जाना है, यहाँ से भी अच्छा नज़ारा मिल रहा है। हम रोड से कोलगपारा हिल का इस साइड देखा था। हम तक गया, अब रेस्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ का भी रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद में जाते हैं। थोड़ा सा भी और ट्रैकिंग करेंगे तो हम ऊपर पहुँचेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, यहाँ से देखिए हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँचेंगे। दोस्तों हम ऊपर पहुँच गया है, ये देखिए देखिए तो श्री है। हम वहाँ ऊपर जाते हैं, वो रास्ता नीचे से ही जाता है। ये देखिए एक गुफा है, ये देखो ये कुछ एडवेंचरस लगता है, चूक के जाना पड़ेगा। चलो हम ऊपर जाते हैं। ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ से नीचे देखो तो कितना अच्छा लगता है, और यहाँ से हम थोड़ा फोटो खींच लेंगे। और सीढ़ी भी आ रहा है, उसे भी फोटो खींचना है, और फोटो खींचने के बाद हम नीचे जाएंगे। इसके थोड़ा नीचे अच्छा नज़ारा मिलता है, वहाँ भी हम जाएंगे। की गहराई देख लीजिए, ये देखिए हम बहुत ऊपर है, अभी नीचे गिर गए तो हमारा जान ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से चलना भी बहुत केयर से करना। यहाँ पर चारों साइड देखने के लिए हम जा रहे हैं, जगह तो नहीं मिल रहा है, वो हम देख के चल रहे हैं, या खतरा ज़्यादा है।
इसकी एंड तक आ गया है। देखिए यहाँ से हमें दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, सब कुछ छोटा दिखाई दे रहा है। यहाँ ज़्यादा हवा है इसलिए माइक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ से देखो तो हमें पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है। वहाँ से हम आए थे, वहाँ गाड़ी चल रहे है ना, वो आपको छोटा सा दिखाई देगा। वहाँ से हम यहाँ तक आ गया है, ये देखिए। हम वहाँ से नीचे आ गया है, अभी किसी रास्ते से आए थे और अभी हम जा रहे हैं। हम नीचे जा रहे हैं, उसी रास्ते से हम आए थे, वही रास्ते से हम नीचे जा रहे हैं। नीचे जाना बहुत मुश्किल है, आने में इतना मुश्किल नहीं था। यह के बारे में बोले तो यह अच्छा जगह है ट्रैकिंग करने के लिए, बहुत बेस्ट जगह है, आपको भी पसंद आएगा। यहाँ पे आप टेंट भी लगा सकते हैं, टेंट लगाना चाहते हैं तो शाम को आना पड़ेगा और शाम को यहाँ टेंट लगा कर यहाँ नाइट बिताएंगे। और यहाँ का सनराइज बहुत अच्छा है, वो भी देखने मिलेंगे। हमें भूख लगने लगा था इसलिए हमने ब्रेड ऑमलेट बना लिया। हम वापस जा रहा है, ये था वो गेट, हम कल रात आए थे और हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला है। यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, वो हमें जाने दिया है और हम वापस ये पहाड़ उतर रहा है। यहाँ से भी अच्छा दिख रहा है और आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।